नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। शासन द्वारा हॉर्स फायरिंग व असलाह लहराने पर रोक के बावजूद भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। आजमगढ़ जिले में बीते 24 घंटे के अंदर दो स्थानों पर तमंचे व डांस व फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर आश्वासन दिया है। पहला मामला अतरलिया थाना क्षेत्र के बोरासपुर का है, जहां एक तिलक समारोह आयोजित था। समारोह में देर रात तक बार बालाएं फिल्मी गानों पर ठुमका लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर खुलेआम तमंचे से फायरिंग की जा रही थी। तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो वायरल जरूर हुआ, लेकिन 10 दिनों बाद तक अतरौलिया थाने की पुलिस ने इस मामले की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब पुलिस अधीक्षक ने मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आप लोगों के माध्यम से आज एक वीडियो संज्ञान में आया है सोशल मीडिया पे, जिसमें अवैध असलाह का प्रदर्शन किया जा रहा है। तत्काल संज्ञान में आते ही SHO अतरौलिया को इसके संबंध में निर्देशित कर दिया गया। धारा 307 और अन्य सुसंगत धाराओं के साथ IPC के धाराओं के साथ FIR पंजीकृत करते हुए जो इस इवेंट के आयोजक हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं, उन सभी के विरुद्ध FIR पंजीकृत की जाएगी और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ भविष्य में गुंडा एक्ट की कार्रवाई इनके विरुद्ध नियमानुसार की जाएगी। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्या मतलब है? शादी समारोह किस नजर रखी जाएगी? पुलिस लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित करती है, क्योंकि शादियों का सीजन है तो जहाँ भी इस तरह के आयोजन होते हैं पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग करती है, वहाँ जाके चेकिंग करती है और अगर कोई इस तरह की बात प्रकाश में आती है उस पर लगातार कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इससे पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, जो मैरिज हॉल संचालक हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा चुकी है, जो DJ संचालक हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार पुलिस का अभियान जारी है और जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि शादी समारोह में जो इस तरह का कोई भी आयोजन ना करें जो विधि विरुद्ध हो या जिसमें कोई व्यक्ति अवैध असलाह लेके पहुँचे, तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दे ताकि पुलिस पहुँच के लगातार वहाँ पर कार्रवाई कर सके। वहीं 24 घंटे के अंदर दूसरी घटना जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के दूसरा गांव से आई। बारात में एक रईसजादे ने असलाह लहराया। बताया जा रहा है कि दूसरा गांव में सोमवार की रात को मऊ जिले से बारात आई थी। बारात में ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम भी था। देर रात बार बालाएं डांस कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति स्टेज के नजदीक पहुँचता और असलाह बार बाला को दिखाता है, जिसके बाद बार बाला डर जाती है। असलाह देखते ही आयोजक उस व्यक्ति से असलाह रखने को कहता है, लेकिन वह नहीं रखता। इस दौरान फेसबुक पर लाइव हो रहा था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में स्थानीय थाने की पुलिस को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। मामला भी पंजीकृत कर लिया गया है। दोषियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय समय पर शादी विवाह समारोह में पुलिस पेट्रोलिंग भी करती है और कई मैरिज हॉल संचालकों पर कार्रवाई भी की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है सुबह, जिसमें एक शादी समारोह में कुछ लोग अवैध असलाह का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो की जांच इंस्पेक्टर जियनपुर को दी गई है, वो जांच कर रहे हैं। FIR पंजीकृत कराई जा रही है धारा 307 के अंतर्गत और उसके साथ साथ जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर जियनपुर को निर्देशित कर दिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।